भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, सीमित ओवर क्रिकेट टीम के सीनियर विकेटकीपर, बल्लेबाज और लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण हासिल किया। धोनी को यह सम्मान क्रिकेट से उनके बेहतरीन योगदान के लिए दिया गया है। ये दिलचस्प बात है कि आज के ही दिन 7 साल पहले महेंद्र सिंह धोनी ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर एक शानदार छक्के के साथ भारत को उसका दूसरा वनडे विश्व कप खिताब हासिल कराया था। माही के अलावा खेल जगत से विलियर्ड्स ने स्नूकर चैंपियन पंकज आडवाणी को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जबकि अन्य क्षेत्रों को मिलाकर कुल 43 हस्तियों को सम्मानित किया गया। प्रेसिडेंट भवन में आयोजित इस प्रतिष्ठित समारोह में धोनी सबसे खास अंदाज में नजर आए। स्टार भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी यहां सबसे अलग नजर आए, क्योंकि वो सेना की वर्दी में यहां पहुंचे थे और वो सेना के जवान की तरह मार्च करके सम्मान लेने के लिए राष्ट्रपति तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सलूट भी किया और पूरे आर्मी प्रोटोकॉल को बखूबी निभाया। ऐसा लग रहा था कि मानो सही मायने में कोई सेना का जवान मार्च कर रहा हो। आपको बता दें कि सेना में मानद उपाधि हासिल करने वाले कई दिग्गज यहां प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें इस अंदाज में नहीं देखा गया था। इस दौरान धोनी की पत्नी साक्षी भी यहां अपने पति की खुशी में शामिल होने पहुंची थी। नेक्स्ट 9 लाइव न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।